हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे 3 सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सभी सब्जेक्ट्स के 6 सेमेस्टर की, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड उसके PDF जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो वो चीज़ भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस सब्जेक्ट के बारे में वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि इस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर जो है वो हम किस तरीके से प्रोवाइड करें। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेंगे, उसके बाद में आप ये बताना कि इस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड करें, या फिर कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है वीडियो लेक्चर्स वो आपको चाहिए, तो वो चीज़ आप एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर, वो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट रहेगी, ठीक है। ये दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाली हैं। जैसे हमने जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं, तो उसके अंदर से पहले वाले पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट में से 40 मार्क्स जो है 40 मार्क्स का मैटर आया हुआ है। वो आप समझ रहे हो, 40 मार्क्स हमारे पास 75 में से 40 मार्क्स का मैटर एक यूनिट में आ गया, तो कितनी इंपॉर्टेंट ये यूनिट हमारे पास रहने वाली है। एंड उसी पेपर के अंदर सेकेंड यूनिट में से जो है 34 मार्क्स का पेपर हमारे पास आया था, तो टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट मिला करके 40 + 34 = 74 मार्क्स जो है वो इसी में से हो गए। मतलब पूरा पेपर ही इसमें से आ गया जितना हमें अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा पेपर जो हमने अपलोड करा था, उसमें से फर्स्ट यूनिट जो है इसमें से 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, एंड सेकेंड यूनिट जो है इसमें से 38 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे गए थे। तो 26 + 38 ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 64 हो गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। मतलब मोर देन 60-70% जो है ये पेपर हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में से ही कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे हो सके तो इसके तो A to Z सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले वो मैं यहाँ पर आपको बता ही दूंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वो टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे लिए मतलब पढ़ के जाने ही जाने, छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो भी बना देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो चूज़ करे हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर चूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम यूनिट वाइज जो हमारे क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स है, वो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले यूनिट जो है हमारे पास वो आती है, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है मेन, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक्स, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग्स की, वो चीज़। ये 3 टॉपिक्स जो है हमारे पास सिंपली यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसके थ्रू जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अलग अलग मैकेनिज्म क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। अब जो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म होते हैं, इसी को हम लोग ड्रग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग क्या तरीके होते हैं, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन या फिर ड्रग ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी के अंदर किन किन तरीकों से हो सकती है, दोनों ही चीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास वही 5-6 पॉइंट्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन आता है, देन पोर ट्रांसपोर्ट आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, एंड 2-3 चीज़ें जो है वो और हमारे पास यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT 10 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, एंड 5 मार्क्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, ठीक है। एंड इसके अंदर से भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड जो पैसिव डिफ्यूजन है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं, उनसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि उन दोनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, वो चीज़ पूछ ली जाएगी। तो वो दोनों जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो इसकी पीडीएफ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बट चीज़ें डिटेल के अंदर जो यहीं पर एक्सप्लेन करी गई है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्लासीफाई एंड डिस्कस एनी थ्री फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स जो कि ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं उनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें लिखना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपको जो है वीडियो लेक्चर्स या फिर नोट्स के अंदर प्रॉपरली लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ कोई भी तीन फैक्टर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो जब हमें ये बोल देंगे कि तीन फैक्टर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर सिंपली सारे ही फैक्टर्स को ब्रीफ के अंदर डिस्कस करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हें अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स का बन जाता है। अब यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, बट उसके अंदर से भी जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है ये एक फैक्टर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करता है। ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या तो सिंपली इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे 2 मार्क्स के अंदर, या फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के अंदर। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है सिंपली कितना टाइम लग रहा है स्टमक के कंटेंट्स को इंटेस्टाइन के अंदर खाली होने के लिए, उसी चीज़ को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट आता है तो 5 मार्क्स के अंदर आता है, तो हम उन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपली डेफिनेशन पूछेंगे 2 मार्क्स के अंदर, तो हम वहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में से आता है, डिफाइन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर आता है कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो टोटल 5 से 6 बैरियर्स हमारे पास होते हैं, बट वो क्वेश्चन ना बनके मेनली ब्लड ब्रेन बैरियर जो है कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है ड्रग्स की, उसकी काइनेटिक्स जो है वो हम लोग को डिस्कस करनी है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ी थी, वही चीज़ डिट्टो वही की वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है, 5 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है। बाकी 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाए तो वही चीज़ जो है सेम, हमें वही कंटेंट लिखना है कि इक्वेशंस किस तरीके से होती हैं एंड वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट के अंदर रहेगा वो है, राइट अ नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट्स। मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनली तो ओरल रूट से हमने ले ली ड्रग, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट ओरल के अलावा और किन रूट से हम लोग ड्रग को लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो सारे रूट्स जो होते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं, उन्हें ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड यूनिट जो है इसके अंदर मेन हमारे पास 2 टॉपिक्स रहते हैं, एक तो एलिमिनेशन जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आते हैं, एंड दूसरा बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। यही टॉपिक्स हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्कस फैक्टर्स इफेक्टिंग रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। मतलब जो रेनल एक्सक्रीशन हो रहा है, ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है, उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो, तो उसे हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर आता है, 10 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट इज एंड लिस्ट नॉन रेनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो जनरली एक्सक्रीशन क्या होता है, रेनल रूट से होता है, बट रेनल के अलावा दूसरे रूट्स जो हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर उनके सिर्फ और सिर्फ नाम हमसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जाता है, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, डिस्कस द मैथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले तो सिंपली बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है। अब इसके बाद में ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करा जाता है, उन्हें यहाँ पर हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा 10 मार्क्स का हमारे पास बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बायो अवेलेबल फ्रैक्शन। तो अब बायो अवेलेबल फ्रैक्शन जो है ये क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन एंड ये इसे इक्वेशन के रूप में हमें लिखना है कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। तो ये क्वेश्चन सिंपली हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर जो है वो आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डिफाइन बायो इक्वेलेंस. तो बायो इक्वेलेंस क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है. तो ये भी हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो बनता है. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ नोट ऑन इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशंस. तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए ज़रूरी नहीं है. एंड ये पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बाकी फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसे सिंपली एक्सप्लेन करने की. तो इसके ऊपर इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशंस के ऊपर एक नोट जो है हमें लिखना है. तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासीफाई मैथड्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, डिस्कस एनी वन मैथड इन डिटेल. तो मैथड्स जिनकी मदद से पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, उसका सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन लिखना है, मतलब सारे के सारे मैथड्स जो है उनके नाम एंड मतलब अलग अलग किन क्लासेस के अंदर वो आते हैं वो लिखना है. ठीक है, उसके बाद में कोई भी एक मैथड को कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हमें डिस्कस करना है. तो ये क्वेश्चन जो है जनरली हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है. तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथड्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बायो अवेलेबिलिटी जो है उसको एनहांस करने के, उसको बढ़ाने के क्या क्या मेथड्स हैं वो हो सकते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे पास कंप्लीट यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस. तो यूनिट थर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट आता है क्लासीफाई फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स अलग अलग होते हैं, तो उसका सिंपली क्लासिफिकेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एज आईवी बोलस बेस्ड ऑन 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल. तो यहाँ पर सिंपली हमें ये बताना है कि 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के ऊपर बेस्ड आईवी बोलस जो है इसके रूप में ड्रग को एडमिनिस्टर करा गया, तो इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का एस्टिमेशन किस तरीके से होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल वो भी एडमिनिस्टर करा गया आईवी बोलस के रूप में, ये वाला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट इज वॉट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ के ए एंड के ई ऑन सी मैक्स टी मैक्स एंड ए यू सी. तो के ए एंड के ई जो है इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है सी मैक्स के ऊपर टी मैक्स के ऊपर एंड एरिया अंडर कर्व के ऊपर, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है. तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर बनता है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट फोर्थ. यूनिट फोर्थ जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर मतलब पता होने चाहिए एंड आने चाहिए. ठीक है, पहला आता है डिस्कस 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस इन डिटेल. तो ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है. 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एंड वो भी आईवी बोलस जो है इस तरीके से इसे एडमिनिस्टर करा गया, तो उसे कम्प्लीटली डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काइनेटिक्स ऑफ मल्टीपल डोजिंग. तो मल्टीपल डोजिंग जो है इसकी जो काइनेटिक्स है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना है. तो ये क्वेश्चन सिंपली हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है वो बनता है. अब लास्ट हमारे पास आती है यूनिट 5th. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स. इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स. तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है. तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस द रीजंस फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स और डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी. तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा. रीजंस क्या होते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए वो हमें यहाँ पर बताने हैं. क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आता है. या फिर ऐसे फैक्टर्स जो नॉन लीनियरिटी कॉज करते हैं वो कौन से होते हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो ये भी 5 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है. लास्ट इज एक्सप्लेन माइकलिस मेंटेन मैथड इन डिटेल. तो जो माइकलिस मेंटेन मैथड होता है उसे कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है वो बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5th तक कम्प्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास एग्जाम के लिए रहेंगे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना.